देश में कोरोना का आंकड़ा 47 लाख के पार। 24 घंटे में आए 94,372 नए केस, इस दौरान 1,114 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स में भर्ती, सूत्रों के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ, एहतियातन कराया गया भर्ती। दिल्ली के आईटीबीपी कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने किया योग, दूसरी कसरत भी कराई जा रही है। दिल्ली दंगों के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव का भी नाम, प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप। सीताराम येचुरी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा यह कार्रवाई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पतन को दिखाती है, दिल्ली पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुंबई में एनसीबी की विशेष अदालत में आज 6 ड्रग पेडलर्स की पेशी, 5 मुंबई या 1 गोवा से गिरफ्तार, चरस गांजा कैश बरामद। नेवी के पूर्व अफसर की उद्धव ठाकरे से अपील, अपमान से आहत मदन शर्मा ने कहा अगर नहीं संभाल सकते तो छोड़ दें कुर्सी। पूर्व नेवी अफसर पर हमले के विरोध में आया वीर सेनानी संगठन, राज्यपाल से मिलकर सुरक्षा की मांग उठाई, अवार्ड वापसी के साथ करेगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आज राज्यपाल से मिलेंगी कंगना, शाम 4 से 4:30 के बीच मुलाकात संभव। जम्मू कश्मीर के मेंढर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने चलाया साझा अभियान, 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की समीक्षा बैठक, सरकार की तैयारियों के साथ वैक्सीन के बाद की रणनीति पर चर्चा। नीट की परीक्षा का आयोजन आज, देश भर के 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से ही चल रही है मेट्रो। चेन्नई में नीट परीक्षा का विरोध किया गया, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में पेड़ से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ममता सरकार का अंत निकट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरेआम हत्या से उठे सुरक्षा पर सवाल, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश। कानपुर दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ की आंतरिक बैठक में लेंगे हिस्सा, लखनऊ में 2 दिन का दौरा, सीएम योगी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कर सकते हैं मुलाकात। मुंबई के कांदिवली से सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार की मौके पर मौत। यूपी के हापुड़ में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, मासूम बच्चों समेत 2 दर्जन लोग घायल, कई सालों से चल रही थी अवैध मावा बनाने की फैक्ट्री। राजस्थान के झालावाड़ में उड़ी सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां, धार्मिक कार्यक्रम में जुटी भीड़ को समझाने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया। रत्नों और आभूषणों में फिर से आई चमक, जुलाई के मुकाबले अगस्त में 29.18% बढ़ा एक्सपोर्ट। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।